to start the readings. First of all, if we talk about the reading tips and tricks, there are a number of things that comes under reading tips. The first one is predict what the text is all about. That means try to give a prediction to yourself that ki jo aap text pad rahe hain, actually what that is text consists of, usme likha kya hai. ये जो प्रिडिक्शन है ये बेसिकली स्कैनिंग की, जब हम स्कैनिंग करते हैं ऊपर से नजर मारते हैं या तो तब हमें पता चलते हैं. सेकेंड थिंग इज द टाइटल. आई ऑलवेज एडवाइज माई स्टूडेंट्स टू गो विद द टाइटल बिकॉज इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन व्हेन वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ रीडिंग. टाइटल इटसेल्फ इज द बिगेस्ट हिंट टू क्लेम दैट व्हाट द रीडिंग इज ऑल अबाउट. सेकेंड इज just read for 1 or 2 minutes about the strategy, about the general idea, what the text is all about, so that you will have a clear picture in your mind that what you are going to read for next 10 to 12 minutes. Always highlight the questions. That means always read the questions first. After the reading the questions, you are supposed to jump towards the real passage. When you are going to read the question, it is advisable to underline the main points that are known as keywords or highlight those keywords so that it will be easier for you to understand the question, the real requirement of the question, as well as to find out the answer. Always ignore the words that are unknown to you. That means कुछ ऐसे words होते हैं हर एक passage में जो कि आपको, जिनका meaning नहीं पता है, जो कि आपके लिए जो है वो unknown होते हैं. Don't pressurize yourself to find out the answers or the meanings of those words. Just leave those words and try to make the meaning of the text. जो meaning आपको पता है text lines पढ़िए, आपको जो वो क्या कहना चाह रही है वो चीज को पढ़िए. नाउ डोंट रीड एवरीथिंग, सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको. आपको सिर्फ जो आपसे चीज पूछी गई है वो आपको अंडरलाइन करनी है, वो चूज करनी है, और एक्स्ट्रा ऑप्शंस को एक्सक्लूड कर दीजिए. जो कि पूछा नहीं गया उसको छोड़ दीजिए. नाउ टाइटल्स को पढ़िए, हेडिंग्स को पढ़िए, कैपिटल लेटर्स जो है उनको अंडरलाइन कर लीजिए, इटैलिक्स कर लीजिए, ग्राफ्स टेबल्स को पढ़िए. आफ्टर दैट सिंगुलर और प्लूरल जब भी आप आंसर करते हैं, सिंगुलर और प्लूरल का हमें ध्यान रखना है. जो भी आप आंसर करें वो एक वचन है या बहुवचन है, इस चीज को हम बहुत ध्यान में रखेंगे. अपने स्पेलिंग्स चेक करेंगे जब भी हम अपने आंसर. म्यूट योरसेल्फ. उसके बाद हम एक और चीज जो करेंगे वो है, हम पैनिक नहीं होंगे जब भी हम अपना टेक्स्ट पढ़ेंगे या पैसेज पढ़ेंगे, हमें आंसर्स नहीं मिल रही हैं. डू नॉट गेट पैनिक बिकॉज व्हेन यू गेट पैनिक जो आपको आता है आप वो भी भूल जाएंगे. ठीक है, आगे आइए. दिस इज द फर्स्ट रीडिंग ऑफ टुडे, आपकी पहली रीडिंग है ये. अभी देखिए इसमें करना क्या है. सबसे पहली चीज, आपके पास लेटर्स दी हुई है A to H. That means you are going to find out the answers from the alphabets A to H. या तो A, B, C, D ऐसे जो alphabets हैं जो यहाँ पर दिए हुए हैं, ये जो alphabets हैं, these alphabets will be in your answer list. यही आपके answers होंगे. Now आपके पास जो proper answers हैं, 8 आपके पास passages हैं, ठीक है? 8 passages में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो 6 क्वेश्चंस की है. दैट मीन 6 क्वेश्चंस है, उनके जो आंसर्स हैं वो 8 पैराग्राफ्स में किसी एक में है. ठीक है, आपको जो है वो मैच करना है कि ये वाली इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर किस पैसेज में दी है. नाउ अनदर थिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट व्हाइल डूइंग दिस काइंड ऑफ अ सॉरी रीडिंग इज समर एक्टिविटीज एट लंदन की गार्डन्स. ये समर एक्टिविटीज के बारे में है. किस जगह की समर एक्टिविटीज की हम बात करते हैं? ये एक लंदन का क्यू गार्डन्स है, लंदन में बने हुए क्यू गार्डन्स है, जिस चीज के बारे में यहाँ पर डिस्क्रिप्शंस दी गई हैं. अभी मैं आपको दे रही हूँ गुड 7 मिनट्स टू डू सो.
सेवन मिनट्स में हम ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसको ढूंढेंगे इधर वाली साइड में. आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स एंड आफ्टर द डिस्कशन ऑफ दिस वी विल शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स द सेकंड रीडिंग. ओके, बाय द टाइम यू हैव 6 मिनट्स, ट्राई टू डू इट इन 6 मिनट्स.
Okay, everyone, this is the time. Now I'm going to show the answers to you. Please match your answers. Mute yourself, please. So we are going to discuss the answers. Any problem regarding first? Ma'am, second. हम सेकंड पे आ रहे हैं बेटा. एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग द फर्स्ट क्वेश्चन? नो मैम. सेकंड मैम प्लीज डिस्कस. व्हिच वन? मैम फर्स्ट वन. ओके चलिए. द फर्स्ट वन सेज लर्निंग. म्यूट हो जाइए प्लीज सभी. Now, the first one says learning what all different sections of a plant do. हमको ये देखना है, इसमें बताया है कि प्लांट के जो डिफरेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में स्टडी को है वो कैसे आती है, उसके फंक्शंस क्या हैं. द आंसर इज एफ. द फंक्शन डिस्कवर द फंक्शंस ऑफ एवरी पार्ट ऑफ अ प्लांट. यहां पर है ये. सो द आंसर इज एफ. क्लियर नाउ? सेकंड देखिए. सीइंग आर्ट शोइंग प्लांट्स सॉरी यस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. यहां पर हम जिस प्लांट्स की जिनकी बात करते हैं वो एक डिफरेंट जगह को बिलोंग करते हैं. द आंसर इज एच. दैट मीन्स एग्जीबिशन ऑफ साउथ अमेरिकन बोटैनिक पेंटिंग्स. साउथ अमेरिका के साथ ही रिलेटेड है. दैट मीन्स आंसर इज एच. नेक्स्ट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग योर वर्क. मैम प्लीज रिपीट अगेन सेकंड. देखिए इसका आंसर है, सेकंड का आंसर है एच. कहां पर है ये? सीइंग आर्ट शोइंग प्लांट्स. इसमें आर्ट शोइंग प्लांट्स हैं. दैट मींस यहाँ पर आर्ट के थ्रू प्लांट्स दिखाए गए हैं जो कि एक खास जगह को बिलोंग करते हैं. अभी देखिए एच में जो मैंने हाईलाइट किया है वो क्या है. विजिट आर एक्साइटिंग एंड कलरफुल एग्जीबिशन. ये एक एग्जीबिशन है पेंटिंग्स की. दैट मींस आर्ट के साथ रिलेटेड है. साउथ अमेरिकन बोटैनिक पेंटिंग्स. दैट मींस ये जो पेंटिंग्स हैं वो साउथ ऑफ अमेरिका के साथ रिलेटेड है. यही उन्होंने कहा था. Different part of the world, that means किसी खास जगह के साथ related. So the answer is okay, ma'am. Now, okay, ma'am. Third, देखिए, the possibility of having your work exhibited. Possibility है कि आपका जो painting है, आपकी जो काम है, वो भी आप एक इस exhibition में जो है, दिखा सकते हैं. देखिए, the answer is E. If you are in this age category and fancy yourself as a photographer. Then you can enter for the next show. That means अगर आपकी फोटोग्राफी अच्छी है और आप भी अंडर 16 में आते हैं, 16 साल से कम है आपकी उम्र और आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आप भी अपनी पेंटिंग जो है वो यहाँ पर अगले शो में दिखा सकते हैं. पॉसिबिलिटी है कि आप अपना काम भी दिखाएं. योर ओन वर्क. दैट मीन्स थर्ड का आंसर है ई. उसके बाद फोर्थ. Learning about why human beings need plants. Answer था जी कि human जो लोग हैं, इंसान हैं जो, उनके लिए plants क्यों जरूरी हैं. Take a guided tour to discover what biodiversity means and why it matters so much. That means जो भी हम हर एक breath लेते हैं
क्या मुझे बार बार आप लोगों को कहना होगा कि आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को? सविंदर एंड सिमरजीत, म्यूट योरसेल्फ्स, अदरवाइज आई हैव टू रिमूव द पीपल हु आर नॉट म्यूटिंग देमसेल्फ्स। एक ही सेशन में आप लोग करीब 60 जन हैं, अगर 60 के 60 लोग बोलने लगेंगे, पीछे से आवाजें आएंगी, तो मैं हर एक को म्यूट नहीं कर सकती बार बार। पहले मैं लिस्ट में से ढूंढूं कि आप में से कौन अनम्यूट है, फिर मैं उसको म्यूट करूं बार बार। इट इज क्वाइट अनइजी फॉर मी। समझ रही हैं आप? द इजी वे टू रिमूव द पीपल हु आर नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस। आई एम सो सॉरी, लेकिन मैं बहुत दिनों से आपसे यही चीज कह रही हूँ। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी। मैं समझाऊं या बार बार आप लोगों को म्यूट करूं, दो काम कैसे करूं बताइए। सॉरी, आगे देखिए, हम थे यहां पर कि यहां पर बताया गया है एवरी ब्रेथ वी टेक, जो भी हम सांस लेते हैं वो सारी की सारी डिपेंड करती हैं प्लांट्स पे। दैट मींस इस टूर में ये बताया गया है कि जो हम सांस लेते हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी का कितना बड़ा हाथ है, दैट मींस प्लांट्स का कितना बड़ा हाथ है इनडायरेक्टली, और वो हमारे लिए कितने वैल्यूएबल है। यही चीज उन्होंने कहा है, व्हाई वी नीड प्लांट्स। फिफ्थ देखिए, समथिंग दैट हैपेंस डेली एट द सेम टाइम्स, कोई ऐसी चीज जो हर रोज होती है और एक सेम टाइम पे होती है। द आंसर इज डी। देखिए क्या कहा है, ऑन द आवर थ्रू आउट द डे अ पाम हाउस इज फिल्ड विद साउंड ऑफ डॉन एंड डस्क, कोरसेस ऑफ बर्ड्स दैट लिव इन द सेंट्रल एंड साउथ अमेरिकन रेन फॉरेस्ट। दैट मीन्स ऑन द आवर, दैट मीन्स एक घंटा ऐसा होता है जिसमें एक खास तरह के जो साउंड है सुबह और शाम का, जिसमें जो बर्ड्स हैं वो कोरस में बोलते हैं। कोरस होता है कि सारे बर्ड्स बोलते हैं एक एक ही टाइम पे, ठीक है? तो वो जो है, ये जो बर्ड्स हैं वो सारे सेंट्रल और साउथ अमेरिकन बर्ड्स हैं। इस इन फॉरेस्ट्स में नेटिव बर्ड जो है उनकी आवाजें आती हैं, वो एक घंटा स्पेशल होता है। नेक्स्ट इज सिक्स, लर्निंग अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस क्रिएचर्स, इंसेक्ट्स एंड प्लांट्स। हमें तो रिलेशनशिप का पता चलता है जिससे हम बहुत सारे क्रिएचर्स, दैट मींस एनिमल्स हो सकते हैं, बर्ड्स हो सकते हैं, इंसेक्ट्स, छोटे कीड़े मकोड़े और प्लांट्स, इन सब के रिलेशन के बारे में हमें पता चलता है। दैट इज इन सी पार्ट। देखिए, कम फेस टू फेस विद जाइजेंटिक स्कल्पचर्स ऑफ इंसेक्ट्स। जाइजेंटिक होते हैं बहुत बड़े, जाइंट्स जितने, जाइंट्स हम बोलते हैं ना, दानव को बोलते हैं ना, जिसको हम जाइंट्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। तो इतने बड़े जो है वो स्कल्पचर्स, मूर्तियां बनी हैं इंसेक्ट्स की, बर्ड्स की और बैट्स की, ताकि उनको देख के, उनकी स्टोरीज के बारे में सुन के, और वो कैसे इंटरेक्ट करते थे, कौन कौन से पौधों के साथ वो रहते थे, कौन से पौधों के साथ वो डिपेंडेंट थे, ये सारा कुछ जो है वो हमें पता चलता है सी पार्ट से। तो आंसर इज सी। Now, any kind of problems or queries from your sides? बोलिए। Yes, Sukhpri? Yes, ma'am. Ma'am, मैंने D दे विच एक word है, ma'am. The dawn and dusk. Dawn और dusk होता है सुबह का time और शाम का time. जब दिन छिप रहा होता है तब उसको dusk बोलते हैं। Dawn होता है जब सुबह की शुरुआत, दिन चढ़ने वाला है। ma'am, मैंने पांच जो writing से choose करना होगा तो कितना जो होगा? कैसे मैम, जे पास चीज में अपन यूटिलाइज करना होगा वर्ड ना, अपन स्पीकिंग और राइटिंग में सम टाइम अपन यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, डॉन को हम बोलते हैं एट द टाइम ऑफ द डॉन द बर्ड्स आर वेरी हैप्पी एंड दे चिर्प एट द पीक ऑफ देयर वॉइसेस, ठीक है? डस्क के आप बना सकते हैं, एट द टाइम ऑफ डस्क एवरीथिंग वाज इज गोल्डन बाय द डिमिंग लाइट ऑफ द सन, ठीक है? ऐसे कोई वर्ड्स आप बना सकते हैं। नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द सेकंड रीडिंग। देखिए, सेकंड रीडिंग में क्या कहा है उन्होंने। दिस इज द सेकंड रीडिंग। ये है आपकी ट्रू फॉल्स और नॉट गिवन के साथ रिलेटेड। दैट मींस अगर आपकी इंफॉर्मेशन 100% मैचिंग है, दैट इज ट्रू। अगर ऑपोजिट है थोड़ी सी भी, 0.1% भी, देन दैट इज फॉल्स। और अगर है ही नहीं इंफॉर्मेशन आपके पैसेज में, तो दैट इज नॉट गिवन, ठीक है?
आपके पास 8 क्वेश्चंस हैं और 7 मिनट्स हैं. आफ्टर 7 मिनट्स वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द आंसर्स. ये जो एक पैसेज है वो एक सिटी पार्क एंड राइड के बारे में है, एक ऐसा पार्क जिसमें आप राइड भी कर सकते हैं. ठीक है, इसके साथ रिलेटेड कितने पैसे वो लोग लेते हैं, कैसे यहाँ पर पहुंचा जाएगा, कितनी जो है वो कितने टाइमिंग्स के साथ पास वे खुला होता है या इसके पासेस कैसे होते हैं, ऐसी चीजें जो है उसके साथ रिलेटेड होंगे. नाउ यू आर हैविंग 7 मिनट्स टू डू सो, ट्राई टू कंप्लीट इट इन 7 मिनट्स.
Okay, everyone. Now I'm going to show you the answers. Please match your answers. Match your answers, please. Now, we are going to solve the answers. Seventh is not given. That means nothing is described about the first UK cities to introduce a park or ride. Eighth is the amount of congestion. Congestion hota hai saans rokna. The amount of congestion in the city center has fallen. City center ki jo congestion hai, wo aage se kam hui hai logon ki city center mein. So the answer is true. The answer is here. Reducing congestion. Next is ninth one. Ninth ka answer dekhiye. There is a special section for car park for heavy goods vehicle. लेकिन उन्होंने कहा है I'm not getting it properly. Which you are not getting properly? What you are not getting properly, Jagjit sir? I'm not getting properly. First wala? Your my voice is not proper. Even clear. Clear now? Yeah, yeah, now I'm getting. Everyone, is my voice audible? Yeah, please go ahead. Okay. देखिए, ninth में उन्होंने पूछा है कि heavy vehicles के लिए special section जो है वहां पर बनाया गया है. लेकिन इसमें उन्होंने कहा है properly कि clearly बताया है कि heavy goods vehicle जो है वो तो permit ही नहीं है. That means वो अंदर आ ही नहीं सकते. So the information जो यहां पर है और वो ये जो यहां पर दी गई है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है. सो द आंसर इज फॉल्स. नेक्स्ट देखिए, टेंथ, बस ड्राइवर्स डू नॉट गिव चांस चेंज, सो यू मस्ट हैव द करेक्ट मनी फॉर द टिकट. बस के जो जो हमारे ड्राइवर्स हैं उनके पास एग्जैक्ट मनी जो है वो नहीं है. वो आपको मनी नहीं देंगे वापस. जितने पैसे बचे हैं वो नहीं मिलेंगे. इसलिए करेक्ट पैसे आपके पास होने चाहिए. लेकिन यहां पर है विद द करेक्ट मनी इफ पॉसिबल. दैट मीन्स उनके पास मनी है और वो वापस भी करेंगे. लेकिन ऐसी कोई भी शर्त जो है वो नहीं रखा गया है जो आप. बट उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि वो चेंजेस यहाँ पे तो उसकी बात ही नहीं हुई चेंजेस की, तो कि वो आपको चेंजेस करेंगे उनके पास. अरुण सर, दिस इज अ ट्रिकी क्वेश्चन. देखिए उन्होंने क्या कहा है. रुकिए, बस ड्राइवर्स डू नॉट गिव चेंज. मिला? यस मैम. बट इसमें लिखा है डू नॉट गिव चेंज, बट उसमें आगे उन्होंने ये भी लिखा है यू मस्ट हैव द करेक्ट मनी फॉर अ टिकट. और यहाँ पे पैसेज में भी लिखा हुआ है विद द करेक्ट मनी इफ पॉसिबल. इफ पॉसिबल लिखा है और मस्ट और इफ पॉसिबल दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं. ओके मैम, आप समझ रहे हैं. मस्ट का मतलब है आपको खुले पैसे होने कंपल्शन है. और यहाँ पर इफ है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आपको वो देंगे पैसे वापस. इन चीजों का हम ध्यान में रखेंगे. इन चीजों को हम ध्यान में रखेंगे. सर्टेनिटी कहाँ पर है, कहाँ पर क्लियर बताया गया है, कहाँ पर उन्होंने सिर्फ हिंट दिया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रीडिंग. हम अज्यूम नहीं कर पाते हैं. अगली चीज देखिए, नेक्स्ट है हमारा इलेवेंथ. इलेवेंथ का आंसर था ट्रू. टिकट प्राइसेस वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइम ऑफ द डे. टिकट की जो प्राइसेस हैं वो वेरी करती हैं. कभी टिकट के पैसे कम हैं, कभी ज्यादा हैं, ठीक है. और वो टाइम पर डिपेंड करता है कि किस टाइम पे आप जो है वो ट्रेवल कर रही हैं, राइट. तो देखिए आपके पास इसका आंसर है
if purchased after 12:30, hour, it costs 2.10 pounds. That means कि अगर आप उससे पहले जो है वो ट्रेवल कर रही हैं तो अलग होगा, उसके बाद ट्रेवल कर रहे हैं तो अलग है, 12:30 बजे के बाद. दैट मीन्स वेरी करते हैं. द आंसर इज ट्रू. उसके बाद है आपके पास नेक्स्ट, चिल्ड्रन अंडर 16 ट्रेवलिंग अलोन आर अलाउड फ्री ट्रेवल. वो बच्चे जो कि 16 साल से कम हैं, ऐसे बच्चे जब ट्रेवल करेंगे तो वो फ्री ट्रेवल करेंगे. दिस इज फॉल्स, क्योंकि उन्होंने कहा है, देखिए, द रिटर्न फेयर फॉर अनअकंपनीड चिल्ड्रन अंडर 16, जिनके साथ कोई नहीं है उनका ये कराया है. दैट मीन्स वो फेयर फ्री जो है वो ट्रेवल नहीं कर सकते हैं. दैट इज फॉल्स. 13th देखिए, द स्पेस फॉर साइकिल्स मोटरसाइकिल्स एंड स्कूटर्स इज क्लोज टू द साइट ऑफिस. ये जो स्पेस है, स्पेस पार्किंग जो है वो दी गई है साइकिल्स की, मोटरसाइकिल्स की, स्कूटर्स की. ये जो स्पेस है वो साइट ऑफिस के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया है यहाँ पर. यहाँ पर सिर्फ मेंशन किया गया है कि यहाँ पर है जो ये स्पेस अलग दी हुई है. दैट्स इट. साइट ऑफिस का कोई बात ही नहीं हुआ है. पार्क एंड राइट साइड पे है, वो जगह का नाम दिया है उन्होंने, पर साइट ऑफिस का, जहां पर ऑफिस है उसका कोई मेंशन नहीं है. दैट इज नॉट गिवन. 14th, पीपल विद कंसेशनरी बस पासेस, जिनके पास कंसेशन है, पासेस हैं जिनके पास, मस्ट पे द फुल फेयर टू ट्रेवल एट सर्टेन टाइम्स. कई बार उनको बिना किसी कटाव के पूरी टिकट जो है उसके पैसे देने पड़ेंगे. सो this is the answer of true hai ye. This is the last line of your passage. At other times there is no reduction for holders of concessionary bus passes. Koi reduction nahi ki jayegi, koi paise kam nahi kiye jayenge. All clear everyone? Yes ma'am. Okay, now we are moving our focus towards the third reading of today. This is the third reading. ये बहुत ही इजी है. वन वर्ड ओनली है. दैट मीन्स आपको सिर्फ एक वर्ड चुनना है इधर वाली साइड से. दैट मीन्स आपको एक वर्ड चुनना है फ्रॉम द पैसेज एंड यू आर गोइंग टू पुट दैट वर्ड डायरेक्टली इन टू द स्पेस प्रोवाइडेड टू यू. ये जो एक पैसेज है वो एक बिजनेस कॉन्फ्रेंस के बारे में है. दैट मींस कैसे को बिजनेस कॉन्फ्रेंस है वो स्टार्ट होती है, कहाँ पर उसको रखना चाहिए, कौन सा वेन्यू होना चाहिए, जो स्पीकर्स हैं उस बिजनेस कॉन्फ्रेंस में, जो लोग बोलने वाले हैं स्टेज पे, उनके साथ कैसा कॉन्टैक्ट आपको बनाना है, फाइनल अरेंजमेंट कैसे देने हैं. जब वो लोग पहुंच जाए उस कॉन्फ्रेंस में तब आपका जो अरेंजमेंट है वो कैसा होना चाहिए, ऐसी चीजें, बहुत ईजी जो चीजें हैं वो इसमें एक्सप्लेन की गई है. नाउ यू हैव 6 मिनट्स टू डू सो. आफ्टर 6 मिनट्स वी आर गोइंग टू हैव द आंसर्स. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ.
Yes, everyone. Now we are going to see the answers. This is the list of answers. Please match your answers. Now we are going to have the answers and discussions. Now, the answer of 15th is holiday. When they say ki aapko us time pe प्लान नहीं करनी चाहिए, ऐसी जो बिजनेस कॉन्फ्रेंसेस है जहां पर लोग अवेलेबल नहीं हो और कोई चीजें हो जो इंटरेस्टिंग है, जो उनमें बिजी होंगे लोग उस टाइम पे, दैट मींस अ हॉलीडे. हॉलीडे पीरियड्स में आपको जो है वो ऐसी बिजनेस मीटिंग्स को अवॉइड करना चाहिए. नेक्स्ट इज चूज अ प्लेस विद अ लार्ज हॉल. लार्ज हॉल होना चाहिए जहां पर आप बिजनेस मीटिंग जो है वो बना रहे हैं, लेकिन वहां पर ब्रेकआउट एरियाज होने चाहिए. ब्रेकआउट एरियाज होते हैं, लार्ज एरियाज को हम डिवाइड कर देते हैं अलग अलग पार्टीशंस में या केबिन्स में, टेम्पररी केबिन्स में, या हम वहां पर लार्ज हॉल में अलग अलग जगह पर टेबल्स लगा देते हैं जहां पर डिस्कशंस होती हैं डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, तो उनको ब्रेकआउट बोलते हैं. तो ऐसी जगह पर आंसर इज 16th का आंसर उन्होंने लिखा है ब्रेकआउट. उसके बाद है 17th. गिव द स्पीकर्स एज मच डैश एज पॉसिबल. स्पीकर्स को टाइम दीजिए, नोटिस दीजिए जितनी जल्दी हो सके ताकि उनके पास प्रॉपरली टाइम हो अपने जो उन्होंने अवेलेबल होना है उससे पहले. बिकॉज जितना नोटिस उनको पहले से होगा, एम्पल नोटिस अगर उनके पास पहले से होगा किसी टाइम पीरियड का कि आपने इस डेट को जो है वो कॉन्फ्रेंस रखी है, तो वो अपना टाइम टेबल, अपनी अवेलेबिलिटी जो है उसी के अकॉर्डिंग बना लेंगे. यस जगजीत सर. मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैम मैंने इसमें ना टू वर्ड्स लिख देते वो तो गलत हो जाएगा मैम. आपकी इंस्ट्रक्शंस क्या कह रही हैं? वन वर्ड ओनली. तो हम टू वर्ड्स लिखेंगे तो डेफिनेटली हमका हमारा जो है वो आंसर गलत है. मैम 16 का मैम मैंने लॉन्च एरिया लिख दिया था मैम. नहीं तो लॉन्च एरिया में बैठ के थोड़ी ना वो डिस्कशंस करेंगे. ब्रेकआउट एरियाज बोलते हैं उनको जहां पर डिस्कशंस होती हैं. अभी देखिए नेक्स्ट इज समरी. समरी का मतलब है जो उन्होंने प्रेजेंटेशन देनी है उसका एक जिस्ट हो आपके पास. The answer is here, written summary. Ask them to provide a written summary, ताकि आपको पता हो कि कौन सा स्पीकर जो है वो किस टॉपिक पे स्टेज पर बात करने वाला है, कितना टाइम बात करने वाला है और उसका जो प्रोसीजर है स्टेप बाय स्टेप वो क्या है, क्या क्या चीजें वो एक्सप्लेन करेगा अपने स्पीच में या अपने पीपीटी में. 19th है, मेक श्योर ईच पर्सन अटेंडिंग रिसीव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्फ्रेंस. उनके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो जो जो इंसान या जो जो डेलीगेट जो है वो आपकी कॉन्फ्रेंस को, बीच में नहीं बोलिए प्लीज, अटेंड करने वाले हैं. एंड अ डैश फॉर आइडेंटिफिकेशन. और उनके पास एक बैज होना चाहिए, ठीक है, जिसपे उनका नाम, उनका आईडी नंबर और कॉन्फ्रेंस की डिटेल्स जो है वो हो.
20th का आंसर था कुछ क्वेश्चन ईयर्स होने चाहिए, लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस उनको भरने के लिए देनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके एक प्रॉपर फीडबैक कि वो उस कॉन्फ्रेंस के बारे में क्या जो है उनको पसंद आया है, कौन सी चीजें वो चेंज करना चाहते हैं, ताकि आने वाले टाइम में आप वो गलतियां ना करें। अभी बोलिए क्या क्वेरी है आपकी। मेरे को 17 और 18 का आंसर नहीं पता चला। 17th का आंसर है नोटिस। आप नोटिस करेंगे, पहले नोटिस देंगे उनको कि इतनी ऑन सी डेट को कितने नंबर पे उनकी बोलने की या प्रेजेंट करने की बारी है, ये नोटिस होते हैं, ठीक है। 18th का मतलब है रिटर्न समरी देते हैं, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस होती है उसमें उसमें अगर 5 जो डेलीगेट्स हैं वो स्टेज पर बोलने वाले हैं, तो पांचों जो है वो 1 या 2 पेज की एक समरी लिख कर देते हैं, जिसमें डिस्क्राइब होता है कि वो कौन से टॉपिक पे स्टेज पे बोलेंगे और कैसे कैसे स्टेप्स होंगे, पहले क्या बोलेंगे, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। दैट इज नोन एज समरी, रिटर्न समरी ऑफ द टॉपिक, ठीक है। तो आंसर है समरी। 19 में लिखा ना कॉन्टेक्ट देम अगेन अबाउट 2 वीक्स क्लियर, मिस 2 वीक्स में वो नहीं होता। कौन से में आपने 2 वीक्स लिखा है? 19 का मैम, मैं लिखा ना कॉन्टेक्ट देम अगेन। 2 वीक्स लगा के आप सेंटेंस बनाइए जरा। कॉन्टेक्ट देम अगेन अबाउट 2 वीक्स प्रियर टू द कंफर्मेशन टू कंफर्म द फाइनल नंबर्स। इसकी तो बात ही नहीं हो रही ना, आप कहां पर घूम रहे हैं? कर्सर देखिए, 19th में उसने कहा है कि आइडेंटिफिकेशन के लिए उनके पास क्या होना चाहिए, बैजेस होते हैं ना आइडेंटिफिकेशन के लिए जो गले में डालते हैं। यस मैम। तो फिर हम वही देंगे, बैज होगा, ठीक है। ओके मैम जी, और कुछ? यस सुखप्रीत। मैम मेरे ऑल इज करेक्ट मैम, सारे करेक्ट सीगे, बट मेनू मैम एक एम्पल नोटिस वर्ड है उसका मीनिंग दसियो। नोटिस का मतलब होता है लिखती तौर पे आप उनको ये बताएंगे कि कौन सी डेट को कितने बजे आपकी जो मीटिंग है उसमें वो लोग इनवाइटेड है, नोटिस होता है उसको, नोटिस करना है, ठीक है। मैम मैंने एक एक बार मैम मैंने रीडिंग में एम्पल पार्किंग पढ़ा था, वही एम्पल था वो भी। एम्पल का मतलब है बहुत ज्यादा, एम्पल का मतलब है एक सही अमाउंट में, मतलब कितने दिन पहले अगर आप नोटिस दे दें, एम्पल नोटिस का यहाँ पर ये मतलब है। ओके मैम। मैम जब वो पार्किंग के साथ होता है तो फिर मैम तो उसका मतलब जितनी पार्किंग की जरूरत है उतनी है वहां पर पार्किंग। एम्पल इज द वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर रिक्वायर्ड, जितनी रिक्वायर्ड है उतनी जो चीज होती है दैट इज एम्पल। ओके थैंक यू। नाउ वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स नेक्स्ट रीडिंग, सॉरी वी आर मूविंग आवर फोकस टुवर्ड्स द नेक्स्ट रीडिंग। देखिए This is the last reading of today, ठीक है। क्या कहा है उन्होंने? वन वर्ड ओनली, वही सेम चीज है, जो आपका कॉन्टेक्स्ट है वो बदल दिया है हमने, ठीक है। इसका मतलब है यहां पर भी आप एक वर्ड ही चुनेंगे, 2 या 3 नहीं चुन पाएंगे। हाउ टू डील विद एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल। अप्रेजल होता है एक ऐसी मीटिंग जहां पर आपके सारे साल की परफॉर्मेंस को जो है वो जज किया जाता है, ठीक है। अभी ये जो टॉपिक है उसमें एम्प्लॉयज को, दैट मींस जो लोग नौकरी करते हैं किसी कंपनी में, उनको कहा जाता है कि आप कैसे प्रिपेयर करें उस मीटिंग के लिए जिसमें वो आपके जो बॉसेस हैं वो हर एक बंदे से मीटिंग करते हैं, ये देखने के लिए कि पिछले साल में उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है, ठीक है। ये चीजें प्रमोशन देनी चाहिए उस इंसान को या नहीं देनी चाहिए, उस मीटिंग को अप्रेजल कहा जाता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल मतलब आपके परफॉर्मेंस के साथ रिलेटेड जजमेंटल मीटिंग जिसमें आपको लेके जजमेंट दी जाए, कैसे उस चीज की उस मीटिंग की प्रिपरेशन करनी चाहिए, उस मीटिंग के दौरान आपको कैसा बिहेव करना है, और उस मीटिंग के बाद आपको कौन कौन सी चीजें जो है वो ध्यान में रखनी है। दिस इज योर रीडिंग। आई एम गिविंग यू गुड 7 मिनट्स। After 7 minutes, we are going to discuss this. The time starts now.
Yes, everyone, I'm going to show the answers to you. This is the list of your answers. Please match your answers. Now we are going to have the discussion of the reading. The answer of 21st is promotion. So here it is. सबसे पहले किस चीज के बारे में ये जो discussions हैं, ये जो meetings हैं, वो होती हैं? What area? Areas of work need improving. कौन कौन से areas आपको improve करने हैं? Staff can improve their chances of getting promotion. Staff जो है ऐसी meetings में अच्छा जब perform करता है, that means उनके chances बढ़ जाते हैं promotion के. The answer is promotion. Next is, it is important to think of some dash that can be used during the appraisal. It is very important, ठीक है, to make a list of questions, ताकि आप पहले ही प्रिपेयर हो जो आपसे पूछा जाए उस चीज के लिए. इससे बेटर है कि आप एक लिस्ट बना ले क्वेश्चंस. The appraisal can be a good time to ask the boss for extra responsibilities. आप extra responsibilities भी पूछ सकते हैं. जो काम आप ऑलरेडी कर रहे हैं उससे एक्स्ट्रा अगर आपकी जो कंपनी है उसमें आपकी कोई हेल्प की जरूरत है तो आप इस मीटिंग में पूछ सकते हैं. ड्यूरिंग द मीटिंग जब आपको ये कहा जाता है कि आपने ये अच्छा नहीं किया है, आपने इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल नहीं किया, इस प्रोजेक्ट को सही नहीं किया, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक योर क्रिटिसिज्म एज कामली एज यू कैन. ठीक है, आपको पर्सनल अटैक नहीं समझना उस चीज को. उस चीज को एक प्रोफेशनल जो जजमेंट है उसके तौर पर आपको रिएक्ट करना है. 25th है, it is helpful to identify a number of individual goals. आपको goals पता होने चाहिए अपने कि कौन कौन सी चीजें जो है वो आने वाली मीटिंग से पहले आप अचीव कर पाएंगे. The answer is goals. 26th है progress. The staff can request a meeting halfway. कुछ ऐसे लोग भी हैं जो 6 महीने के बाद ऐसी मीटिंग जो है वो चाहते हैं, ताकि वो अपनी प्रोग्रेस जो उन्होंने काम कर चुके हैं ऑलरेडी वो डिस्क्राइब करना हो अपने बॉस के सामने, ताकि वो उस चीज को डिफाइन कर सके कि उन्होंने आगे पहले से ज्यादा किस चीज में डेडिकेशन दिखाई है, किस चीज में काम किया है, अपनी प्रोग्रेस को इवेलुएट करवाना चाहे वो. 27th इज इफ स्टाफ एक्ट ऑन दैट एनी अप्रेजल कमेंट्स दे विल डेमोन्स्ट्रेट देयर डैश. अगर जो स्टाफ है वो पहले से बताई हुई, दैट मीन्स उनके बॉस ने जो चीजें उनको चेंज करने के लिए कही हैं, उसके मुताबिक काम कर रहा है, दैट मीन्स वो जो एम्प्लॉय है वो डेडिकेटेड है. उस बंदे की जो डेडिकेशन है, दैट मीन्स उसकी लगन है जो, वो दिखती है ऐसी सिचुएशन में जब वो अकॉर्डिंग टू अप्रेजल सजेशन काम करता है. Any questions or queries from your sides? Otherwise, I already highlighted your answers on the screen. I'm 24. Repeat कर दो please. 24th है react calmly to any criticism. देखिए जब आपकी meeting होती है boss के साथ तो बहुत चीजें अच्छी करने के साथ साथ कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि आपके boss को पसंद नहीं आती है. ठीक है, ऐसी सिचुएशन वहाँ पे सेंटेंस कैसे मैच कर रहा है वहाँ पे पैसेज में? देखिए, अवॉइड एनी नेगेटिव असेसमेंट्स दैट आर ऑफर्ड एज पर्सनल अटैक. हम पर्सनल अटैक की तरफ से, एज अ पर्सनल अटैक हम ऐसी चीजों को नहीं लेंगे, बट रादर ट्राई टू टेक देम ऑन द बोर्ड कामली. बल्कि आप आराम से, कामली होता है ठहराव से,
ठीक है, आप कह सकते हैं शांत शांति के साथ जो है वो आप अपनी जो क्रिटिसिज्म है, जैसे अपनी तारीफ सुन रही है चुप करके, वैसे अपना क्रिटिसिज्म भी सुने, इसको एक पर्सनल अटैक की तरफ से ना ले। दैट मीन्स कि आपके बॉस का कोई आपके साथ दुश्मनी तो है नहीं, राइट? तो उसने जो चीज आपको बतानी है वो एक बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से बतानी है। तो आपका जो वर्ड है कामली, वो यहाँ पर सूट होता है। रिएक्ट कामली टू एनी क्रिटिसिज्म। जब आप बॉस के सामने बैठे हैं तो शांति से अपने क्रिटिसिज्म को, आपकी जो गलतियां हैं उनको भी शांति से सुने। द वर्ड इज कामली। ठीक है मैम, क्रिटिसिज्म मीन्स रॉन्ग। क्रिटिसिज्म होता है आपकी किसी चीज में जब बुराई की जाती है, आपकी कमियां निकाली जाती हैं। ठीक है, ओके मैम जी, दैट इज क्रिटिसिज्म। डेडिकेशन का मतलब बताओ। डेडिकेशन होती है लगन, किसी चीज कोई काम करने की लगन। जी थैंक यू मैम। ओके नाउ देयर इज वन अनाउंसमेंट फॉर यू एवरीवन। नाउ द नेक्स्ट वॉइस यू आर गोइंग टू हियर इज फ्रॉम लवप्रीत सर। ओके, ही वांट टू मेक एन अनाउंसमेंट फॉर यू ऑल। ओके, आई एम शिफ्टिंग द फोकस टू सर। Good afternoon, everyone. Is my voice is audible? Yes, sir. Yes, good afternoon, sir. Yes, sir. Good afternoon. Very good afternoon. How's preparation going on? Fine, sir. Okay. आपकी ऑनलाइन क्लासेस सर बहुत बढ़िया चल रही है। चलो ग्रेट, सबको समझ आ रहा है, सबको क्वेरी सॉल्व हो रही है। Yes, sir. बहुत अच्छा सर। Yes, sir. Great. Yes. That's great. कभी भी कोई मटेरियल की जरूरत हो, कुछ भी, if you need any help, you can directly call me. मेरा नंबर सबके पास है आपके. And one thing we need from you, एक छोटी सी आपकी help चाहिए सबकी. So I will show you a Facebook page. हमें अपने Facebook पे आप अपना experience share करना है अपना आपने. So I'll show you the link. Just give me a second. I'll share the screen. So basically, आपको हमारा कोर्स कैसे लग रहा है, how you feel about it, I need to know about. Just give me a second, guys. Just give me a second. All right, guys, सबको दिख रहा है the account I just showed you, the Facebook account. Is it visible to all of you? Yes, sir. Okay, great. आपने इस पर जाना है, go to our Facebook and over there you will see reviews given. Review section में जाके आपने हमें अपने experience share करना है. If you like our services, if you like, then mark us 5-star and write a nice review for us. So, जैसे भी आपको लगा, what you feel about our services, just provide us your review, right? So, I'm going to share the link of our page here. So, I would like you guys to share the experience right away. Just, it will take a minute. So, just click on the link that I just shared. I'm going to share it in the chat box. तो आप इस पे क्लिक करके देखें. And just provide us the nice review if you like our services. उसके बाद writing session हम start करेंगे. So just go into the review section. You will find over there to write down the review. It will help us to enhance our services as well. Or हमारी team को भी inspiration होती है. That's we are providing good services. अगर किसी को ना पता लगे, यू कैन आस्क मी. वंस यू विल लैंड ऑन दिस पेज, गो इन टू रिव्यूज. थर्ड थर्ड टैब इज रिव्यू.
over there you will find to write a review. वहाँ पे एक plus का निशान होगा या write a review. सबको समझ आ रहा है? Any query? अगर किसी को कोई ढूंढने में तकलीफ हुई लेट मी नो गाइस, जस्ट गो इनटू चैट बॉक्स, क्लिक ऑन द लिंक विच आई जस्ट प्रोवाइडेड, यू विल बी लैंड ऑन आर पेज. हमारे पेज को भी लाइक कीजिए, गो इनटू रिव्यू सेक्शन, रेट आर सर्विसेज, राइट अ रिव्यू फॉर अस. सो वंस यू विल फिनिश इट अपडेट मी प्लीज. It is requested कि आप सभी इस पे review डालें so that we will come to know about our feedback. Hello. Yes, ma'am. Sir, views के पर क्या comment करना है? हाँ जी, आप वहाँ पे rating देकर if you like our services rate us 5-star और उसमें आपने नीचे कुछ भी लिख सकते हैं. If you like our services, best IELTS center in Jagraon, best IELTS training in the world, जो भी आपको ठीक लगता है, whatever you feel, so you can write. सर थोड़ा सा ओपन करके दिखाइए, कहाँ करना है मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, फर्स्ट आपने चैट बॉक्स में जाना है. यस, चैट बॉक्स में जो लिंक डाला हुआ है सेकंड नंबर वाला लिंक, उस पे क्लिक करना है. इस टाइप का पेज शो हो जाएगा. आपको पेज दिख रहा है स्टडी अब्रॉड लिखा हुआ? यस. इसमें थर्ड सेक्शन में जाना, रिव्यू, होम सर्विस रिव्यू. रिव्यूज में जाएंगे ना थर्ड सेक्शन में, तो आपके पास एक पेज डिफरेंट खुलेगा. मेरे पास डिफरेंट खुलेगा, आपके पास डिफरेंट खुलेगा. तो उसमें आप वहां पे रिव्यू का ऑप्शन होगा, राइट ए रिव्यू, रेट रेट द कंपनी और राइट ए रिव्यू करके होगा. देन यू विल बी एबल टू राइट इट डाउन. ओके सर, ठीक है. अगर किसी को भी इशू हुआ लेट मी नो, आई विल बी हियर टू हेल्प यू. उसके बाद हम राइटिंग सेशन स्टार्ट करेंगे भावना मैम, सो काइंडली डू इट क्विकली एंड विल डू इट द राइटिंग सेशन आफ्टर. राइट गाइज, किस किस ने रिव्यू डाल दिया ऑलरेडी, काइंडली अपडेट. नहीं मिला किसी को? ओके, दलजीत यू डिड. सिमरजीत, जागृति, अमनदीप. ओके, डन फ्रॉम दलजीत. दलजीत आपने कहाँ पे डाला? इट्स नॉट अपडेटिंग. डिड यू पोस्टेड इट ऑन? ओके, मनप्रीत सेज अनेबल टू फाइंड. ओके, लेट मी. दलजीत कैन यू शेयर योर एक्सपीरियंस, आपने कैसे डाला? क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? लवप्रीत वर्मा. सॉरी, लवप्रीत वर्मा? नो. दलजीत kindly tell everyone कि आपने कैसे डाला. हेलो. यस प्लीज. हाँ जी सर, मैंने जो आपने लिंक सेंड किया था, ठीक है, मैंने उस पे क्लिक किया तो सीधा डायरेक्ट आपका फेसबुक पे पेज ओपन हो गया. ठीक है. और सामने ही सर आ रहा है, थोड़ा सा नीचे जाएंगे ना तो अब स...
सर एक्चुअली रिव्यूज पे सर मैंने क्लिक किया. ठीक है, रिव्यू पे क्लिक किया तो वहां पे आपके हाँ जी वहां पे आ गया डू यू रेकमेंड विन योर इंग्लिश. सो आई एम डूइंग इट अगेन, आई सेड यस. एंड फिर उस पे सर वो थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन मांग रहे कुछ आप लिखना चाहो. तो आपने लिख दिया ना. सो गाइस ऐसे ही होगा, मिनिमम 25 कैरेक्टर्स का लिखना है तो मिनिमम 25 का लिखा है. वेरी गुड, वेरी गुड. सो बेसिकली एवरीवन, दिलजीत ने भी ऐसे किया जो मैंने लिंक शेयर किया था. अगेन आई एम शेयरिंग द सेम लिंक, काइंडली डू इट क्विकली. उसके बाद हम राइटिंग क्लास स्टार्ट करेंगे. आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक अगेन. इस लिंक पे क्लिक करेंगे द न्यू विंडो विल बी देयर. ऐसी विंडो आपके पास आ जाएगी. थर्ड टैब है रिव्यू सेक्शन, इस पे क्लिक करेंगे आपके पास आ जाएगा डू यू रिकमेंड दिस कंपनी. So then you will get to know. So as Sagar here just reviewed, put a review here. So guys, quickly do it. Then we'll proceed with the further writing task. हाँ जी मैम, मिल गया आपको? Sir, I have also posted my review. You have posted, okay. वो थोड़े time में post होता है. So kindly post कर दीजिए आप first. Then we will start writing task too. Okay. Kindly everyone, guys. Kindly do it as soon as possible. और also follow our page for regular updates. इसको like कीजिए, अपने friends के साथ share कीजिए. You can see vocabulary every day we share as it says benevolent. इसका meaning क्या है, इसकी uses क्या है. So every day we update. This is a recent score one of our student got. We keep on posting the updates जो भी होते हैं every day. So find you know like our page and share with your friends once you will be free. So अभी के लिए आपने ये review post करके update me, then quickly we will start writing task. किस किस का नहीं हुआ अभी तक? योगेश, सुखप्रीत, सैनिदीप, संदीप, रुपिंदर, रिम्पी, रजवीर, प्रियंका, प्रवीण, पलक, निवेदिता, नवु. सर मेरा नाम सिमर गुरसिमर कल है, देखिए आ गया. आपने कर दिया वहां से सबमिट? सिमर कल, हाँ जी. ठीक है, एक्चुअली पोस्ट होने को थोड़ा टाइम लगता है. सो काइंडली या जैसे या अरुण का आ गया है. यार अरुण, सागर आई गॉट. यस सर. या थैंक यू सो मच. थैंक्स गाइस, काइंडली डू इट एज सून एज पॉसिबल. इट इज वेरी सिंपल. गो टू दिस पेज, गोइंग टू रिव्यू एंड जस्ट डू इट. अगर शो नहीं हो रहा, डोंट वरी, इट विल बी अपडेटेड इन कपल ऑफ मिनट्स. सो आपने जब हो गया जस्ट लेट मी नो. जिस जिस का हो गया हैंड रेज कर दीजिए, सो दैट वी विल स्टार्ट द राइटिंग सेशन. सो काइंडली रेज योर हैंड ओवर देयर. जिन जिन का हो चुका है, आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द सेशन. जिनका नहीं हुआ, काइंडली डू इट एज सून एज पॉसिबल प्लीज. Right, Arun done, Jagjit Singh done, Sukhpreet done, Jagirti done. Baki sabhi guys, are you trying? Kindly do it as soon as possible. I'll give you 2 minutes more. I don't want to waste your time, guys. Kindly do it as soon as possible. Just go into chat box, click on the link, go into review tab, third tab on our page, write a review, rate us over there, and then update me. Yogesh, Savinder, Sandeep, आरवी, रुपिंदर, रिम्पी, राजवीर, आपकी तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं आया. प्रवीण, पलक, निवेदिता, नवी, मनप्रीत, मनप्रीत कौर, मनीष, जसप्रीत,
हसनैन, गौरी वर्मा, गैलेक्सी J4 यूजर, धीरज, अमनदीप, जगदीप नेम से आ गया होगा। ओके, जस्ट रेज योर हैंड जिसने भी कर दिया, बी क्विक। ओके, जो जो फेसबुक नहीं यूज करे दैट्स फाइन, वो भी अपना हैंड रेज कर सकते हैं, इट इज फाइन। जिनके पास फेसबुक अकाउंट नहीं है दैट इज फाइन इफ यू दे वॉन्ट बी एबल टू। ओके, 14 पीपल रेज द हैंड। सर डन हो गया सी मेरे वैल्यू ही। ठीक है सर, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। हाँ जी सर, आ गए सुखप्रीत, सुखप्रीत सुखप्रीत सिंह, राइट, थैंक यू सुखप्रीत। एक्चुअली इट विल बी अपडेटेड विद सम टाइम। गाइस, वन थिंग मोर आई वुड लाइक टू अपडेट यू, नॉट ओनली आईएल्स सम स्टूडेंट वीजा में फुल फ्लेज डील करते हैं, वी हैव 150 कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज डायरेक्ट लिंक्ड इन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में एंड यूके में भी, वी आर आल्सो डीलिंग इन दैट। So if you would need further any immigration or IELTS student visa help, we will help you out for that. All right, guys. Now I will ask ma'am to start the class. Sabka ho gaya hai. Sir, your voice is not getting properly. Is my voice is audible now? Yes, sir. Okay, okay, great. So I'll ask ma'am to start the writing session. Guys, jin jin ka reh gaya hai, wo afterward kar sakte hain. They can do afterward. But I will appreciate agar aap abhi kar dein, that would be great. Otherwise, you can do afterward. So without wasting any time, I would ask ma'am to start with the writing task. Just give me a second. Excuse me, sir. Yes, please. Sir, review to agge, matlab views, baakiyan de views to khol rahe hai, te, but login karna pauga agge jaake. ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲਿੰਕ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋਗੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂ ਨੀਡ ਟੂ ਗੋ ਇਨਟੂ ਰਿਵਿਊਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਜ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਾਂਦਾ ਲੌਗਇਨ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਦੈਟਸ ਵਾਈ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ, ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਲੌਗਇਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਈਟ ਹੋ। ਯੈਸ, ਫਰੋਮ ਯੂਰ ਅਕਾਊਂਟ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਡਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਯਾਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਫਟਰ ਦਾ, ਵਾਂਸ ਯੂ ਵਿਲ ਬੀ ਫ੍ਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਓਕੇ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਯਰ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਰਿਵਿਊਜ਼ एवरीवन। ਨਾਓ ਆਈ ਆਸਕ ਮੈਮ ਟੂ ਸਟਾਰਟ ਯਰ ਸੈਸ਼ਨ।
Yes, everyone. Are you able to hear me? Yes, ma'am. Okay, perfect. So we are going to start the writing now. Make sure you all have your pens and notepads with you so that it will be easier for you to write down the points as per your requirement. Now, as you all know that there are four things that your examiner is going to check in your IELTS examination when your paper goes in front of him or her. First one is task achievement and response. That means he or she is going to check whether you have attempted the full structure of introduction, body paragraph first, second, and conclusion. And are you able to follow the inner structure of essay? That means in introduction, there are three parts, background statement, rephrasing, and the third one is thesis statement. If you talk about the structure of body paragraphs, then first of all, you are going to introduce the point that you have, you are going to change as body paragraph, the strongest point. After that, you are going to give detail of that point. And in the last, you are going to exemplify, or that means you are going to give the example, right? So we are going to see this kind of a structure. Next is coherence and cohesion. That means there should be a connectivity or the connection between the ideas throughout the essay. By lexical resource, we mean there are vocabulary words, approximately 10 to 12 for a good band score. By grammatical range, we mean a number of things. That means there are not only tenses that comes under grammar, there are a number of other categories, for example, use of verbs, adjectives, adverbs, types of sentences, each and everything consists to make a good grammatical structure. So, if you want a good band score, there should be a good grammatical structure in your essay, and there should not be any kind of a spelling mistake in your essay. Now, this is the question of today. Dekhi kya kaha hai mani. Some people say that e-books and modern technology will totally replace traditional newspapers and magazines. उन्होंने कहा है कि क्या कुछ लोगों को ये लगता है कि e-books जो है, that means आप internet पे जो books पढ़ते हैं, या modern जो technology है, वो newspapers को और magazines को खत्म कर देगी आने वाले time में. To what extent do you agree or disagree? आप इस चीज से कितना agree करते हैं, कितना disagree करते हैं? That means we are going to find out both the points. हम दो lists बनाएंगे. एक list जो है, that is of कि ऐसा हो सकता है. एक list जो है, उसमें कि ऐसा नहीं हो सकता. Yes, Jagjit sir, you raise your hand. Any questions? Yes, ma'am. You raised your hand, Jagjit sir. Any question? Okay, then lower your hand. If you do not have any kind of a question or query, please then lower your hand. Yes, Sukhpreet? Ma'am, mere ek doubt sega writing de vich. ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਈਟਿੰਗ ਟਾਸਕ 2 ਦੀ ਸ਼ੀਟ ਲੈਨੇ ਆ ਇਨ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੀਟ ਮੈਮ ਲੈਨੇ ਆ ਤਾਂ ਮੈਮ ਉਹਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਲਈ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੱਡਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਮ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਾਸਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਪਕੋ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨੀ ਹੈ ਆਪਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸੇ ਜਹਾਂ ਪਰ ਲਾਈਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਤੀ ਹੈ ਵਹੀਂ ਸੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਂਗੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਔਰ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਜਬ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਬ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਛੋੜੀਏ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਜੀਏ So that जब आपका examiner आपकी जो sheet है उसको देखे, it will be easier for him or her to judge कि इतनी introduction है, उसके बाद फिर ये body paragraph first आ गया, फिर second आ गया, फिर conclusion आ गया, ठीक है? Otherwise आपको कुछ कोई भी passage में जगह छोड़ने की या कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। एक और चीज मैं जो आपको बताना चाहती हूँ सबको ये है कि जैसे हम लिखते हैं कि just a second मुझे व्हाइट बोर्ड आपके साथ शेयर करने दीजिए देखिए क्या है जैसे हम लोग लिखते हैं इन योर
कोई भी टास्क हम लिखते हैं, जैसे हमने ये लिख दिया, ठीक है, ये हमने पैसेज बना दिया, ठीक है, ये पैसेज बन गया। अभी ये पैसेज हमारा इतना है, उसके बाद हम क्या करते थे पहले छोटी क्लासेस में, हम क्या करते हैं, कितनी जगह छोड़ देते हैं, ठीक है, उसके बाद लिखना शुरू करते हैं। लेकिन इन आयल्स हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, हम कैसे लिखेंगे, हम बिल्कुल शुरुआत से यहीं से शुरू करेंगे, जहां पर लाइन शुरू हो रही है बिल्कुल उसके ऑपोजिट से शुरू करेंगे, यहां से शुरू नहीं करेंगे। आप कर्सर दिख रहा है आपको, इतनी जगह छोड़ के हम नया पैसेज शुरू नहीं करेंगे इन द ऐसे, जहां से लाइन शुरू हो रही है कॉपी बिल्कुल साथ में, यहां पर हम कोई स्पेस नहीं छोड़ेंगे, वी आर गोइंग टू राइट डाउन फ्रॉम हियर ओनली, ठीक है। उसके बाद आप कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर एसे, ऐसे लिखेंगे आप, इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, इंट्रोडक्शन लिख दी, एक लाइन छोड़ दी, फिर बिल्कुल शुरुआत से बॉडी पैराग्राफ शुरू करेंगे, ऐसे ही इंट्रोडक्शन बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस पलक, यू रेज योर हैंड। मैम मैंने आपसे एक बात पूछनी थी कि राइटिंग में अगर हम जैसे हमने सेकंड पैराग्राफ बीपी फर्स्ट शुरू करना है, तो हम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लिखते हैं, उसमें एफ दोनों कैपिटल आते हैं, फर्स्ट का भी और फॉरमोस्ट का भी? हाँ जी, हाँ जी, दोनों एफ कैपिटल आएंगे। ओके मैम जी, चलिए नाउ वापस आ जाइए अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, अभी हम इसकी दो लिस्ट बनाएंगे, एक तो है अग्रीमेंट कि हाँ जी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रही है, और आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है वो न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स की जगह ले लेगी, ये हो गया अग्रीमेंट। एक है कि नहीं, ये इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है और कोई भी टेक्नोलॉजिकल चीज जो है वो इनकी जगह नहीं ले सकती। तो अभी आप क्या करेंगे, आप अपना हैंड रेज करेंगे, जैसे ही आपकी टर्न आएगी यू आर गोइंग टू स्पीक द पॉइंट्स, ठीक है। यस मैम, न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स एंड स्टडी भी इंक्लूड करेंगे इसमें या खाली न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स? न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के बारे में बात की है, हम उतना ही इंक्लूड कर सकते हैं, हम और कुछ भी इंक्लूड नहीं कर सकते अपनी तरफ से, ठीक है। ओके मैम जी। यस अमनदीप मैम, इट्स इजीली एक्सेसिबल? नहीं, हम पहले ई बुक्स की बात करेंगे। इजी टू कैरी मैम, लिखा है ना, अग्री का मतलब है ई बुक्स और इजी टू कैरी मैम। यस, क्या इजी टू कैरी? बट मैम मींस कि कुछ कैरी नहीं करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स ई बुक्स की हेल्प से हम कहीं भी रीड कर सकते हैं। नो नीड टू कैरी मैम, दैट इज नॉट इजी टू कैरी, दैट इज नो नीड टू कैरी। यस, एनी अदर पॉइंट? हैंड रेज़, बिना हैंड रेज किए हम नहीं बोलेंगे, नहीं तो सारे एक ही जगह टाइम पे आप बोलना शुरू कर देते हैं। नो नीड टू कैरी। यस इमरजी मैम, सेविंग द टाइम, आई मीन टू से व्हेन आई वांट टू रीड अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बट इन अ बुक द टाइम ऑल Yes, Yogesh. Much cheaper than newspaper and magazines. How you will like ebooks? हम phone पे app download कर सकते हैं, या modern technology हम Google पे search कर सकते हैं, और newspaper और magazine के लिए हमें purchase करनी पड़ेगी कोई भी चीज। Internet भी तो हम purchase करते हैं। आपका नाम पूछ सकती हूँ मैं? गैलेक्सी जे फोर, आपका हैंड रेज हुआ है। ओके, यस अरुण सर। मैम नॉइसलेस कैसे? मैम जैसे उसके पेजेस चेंज करने हैं तो मैम उसका नॉइस क्रिएट होता है उससे।
लिख दिया पर सेक्शन होते हैं मैम दिस इज वीक पॉइंट लिख दिया हमने दिलजीत सर मैम वी कैन से सेविंग मनी एज आई एम इन टुडेस टाइम एवरीवन इज हैविंग इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी सो इफ वी आर हैविंग इंटरनेट वी कैन डाउनलोड ई बुक्स व्हाई वी विल स्पेंड एक्स्ट्रा मनी टू ऑन बाइंग न्यूज़पेपर और मैगजीन्स वी कैन सेव मनी Saving money by downloading rather than buying things. ये पॉइंट्स हम दे सकते हैं कि हम बाय नहीं कर रहे हैं बुक्स को हम सेव कर रहे हैं कि हमने डाउनलोड कर लीजिए सीधे ठीक है यस एनी अदर थिंग मैम फॉन्ट साइज अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं विजुअल एडजस्टमेंट्स हमारे अकॉर्डिंग हो सकती हैं और कुछ रिम्पी रिम्पी यू वांट टू से समथिंग यू रेज योर हैंड ओके Yogesh sir, we can find a large number of data through the ebooks. Big data. Yes, ma'am. Yes, Yogesh sir. We can read any time. Time flexibility that comes under time flexibility. Second point. Okay, ma'am. देखिए एक रिक्वेस्ट है आप तभी अपना हैंड जो है वो ऊपर कीजिए रेज कीजिए जब आपको सच में पॉइंट बोलना है ठीक है अदरवाइज आप इतनी लंबी लिस्ट हो जाती है मेरे पास लेकिन जब मैं बोलती हूँ तो आप बोलते नहीं ठीक है ओके एनीवन एल्स यस दिलजीत सर मैम गेटिंग टू नो थिंग्स अर्लियर मैम बिकॉज़ मैम न्यूज़पेपर में तो आएगा तो नेक्स्ट डे आएगी अगर आज की खबर होगी लेकिन थ्रू ई बुक्स और थ्रू इंटरनेट एक्सेस वी कैन नो इंस्टेंट न्यूज मिलती है सुखप्रीत यस मैम पॉइंट ऑफ व्यू मैम एनवायरनमेंट मैम में बेनिफिशियल हैगा क्योंकि मैम पेपर ले मैम अपन नु लकड़ियां मैम कोई और मटेरियल चाहिए हुंदा है तैयार करने लिए ते मैम ई बुक ले कोई लोड नहीं पैंदी सो मैम जे अपन कोई लकड़ वगैरह पेपर यूज करेंगे तो अपन नु दरख्त कटने पैणगे सो एनवायरनमेंट बिल्कुल ठीक एनवायरनमेंट जो है हमें उसको जो है वो अनबैलेंस नहीं करना पड़ता नो नीड ऑफ नेचुरल मटेरियल उसको बनाने के लिए हमें कोई नेचुरल मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ती है इंटरनेट पे न्यूज देने के लिए सुखप्रीत हां जी मैम आपने रेज किया है हैंड मैम हो गया फिर आप लोअर कीजिए उसको ओके मैम ओके एनीवन एल्स जो कोई और पॉइंट बताना चाहे आप में से जैसे आप हमें स्टडी करा रहे हैं ई बुक के अकॉर्डिंग की जैसे हम एक बुक को एक बुक से स्टडी करें तो ऐसा कोई आइडिया नहीं आता जैसे आप सभी आइडिया शेयर कर रहे हैं विद दिस पार्ट ऑफ ई बुक की बेनिफिशियल इसको क्या बोल सकते हैं मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई यू आर नॉट प्रॉपरली ऑडिबल बेटा आप थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज जैसे आप स्टडी करवा रहे हैं ई बुक की से वैसे हम घर पे स्टडी करें तो कोई हमारे साथ नहीं होता जैसे सभी स्टूडेंट अवेलेबल ऑन राइट नाउ हम सभी के शेयर होते ये बेनिफिशियल होता है ई बुक की स्टडी से ई बुक्स इसमें नहीं आती बेटा दिस इज आप कह सकते हो ई एजुकेशन एजुकेशन है ई बुक्स डिफरेंट होती है ई बुक्स होती है जैसे मैंने एक नॉवल खरीदा है ना वो नॉवल अप्रोक्सीमेटली मुझे 1500 रुपए का पड़ा ठीक है अगर वही नॉवल मैं गूगल पे सर्च करूं तो उसका फ्री डाउनलोड पड़ा हो और मैं चुपचाप घर पे जो है वो अपने डेस्कटॉप पे और लैपटॉप पे उसको डाउनलोड कर लेती हूँ ठीक है तो वो होता है ई बुक ई वर्जन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ अ बुक ठीक है इससे डिफरेंट होता है ई स्टडीज और ई बुक्स दोनों डिफरेंट चीज है यस दिलजीत यू रेज योर हैंड मल्टीपल ऑप्शंस Like if you need to buy something or a magazine or a newspaper, we will buy only one. Through ebooks, we can have multiple options.
ठीक है, मल्टीपल ऑप्शंस, बिल्कुल ठीक है। अभी हम दूसरी साइड पे जाने वाले हैं, ठीक है, दैट इज द डिसएग्रीमेंट कि नहीं, चाहे टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए टेक्नोलॉजी, लेकिन वो न्यूज़पेपर्स और जो मैगजीन्स हैं उनकी जगह नहीं ले सकती, ठीक है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट क्या होगा इसका दिलजीत? नॉट अफोर्डेबल मैम, मैम गेटिंग डिपेंडेंट ऑन ईबुक्स कंप्लीटली। क्या क्या कहना चाह रहे हैं? गेटिंग डिपेंडेंट ऑन ईबुक्स कंप्लीटली, वी विल बी डिपेंडेंट ऑन ईबुक्स, दिस विल नॉट बी एडेड। सही पॉइंट नहीं है सिमर जी। मैम बेटर कंसंट्रेशन रादर देन ईबुक्स, कैसे एक्सप्लेन करेंगे आप? जैसे हम बुक से स्टडी करते हैं तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती, जब इंटरनेट पे स्टडी करते ई बुक के राही तो हमें प्रॉब्लम आती, कोई नोटिफिकेशन आती है तो हम वो देखने लग जाते हैं। ओके, बेटर कंसंट्रेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सुप्रीत? यस मैम। यू रेज्ड योर हैंड। मैम एक पॉइंट है मैम, जिम्मे ईड पेपर बुक्स मैगजीन और न्यूज़पेपर ने अपन लॉन्ग टाइम लिए भी अपन रख सकते हैं कि भी जिहड़ा ई डाटा है मैम अपने कई बार समवेयर सॉफ्टवेयर चला जाता है तो डाटा भी अपने फोन च उड़ जाता है, लैपटॉप भी चला जाता है, पर जो पेपर वगैरह मैम अपन लॉन्ग टाइम लिए भी रख सकते हैं तो इसलिए भी। ओके, आप कह सकते हैं कि इनको प्रिजर्व रखना जो है हार्ड कॉपीज को वो इजी होता है, या आप कह सकते हैं कि प्रायोरिटी है आपके, है ना? ओके, लिख दिया। यस योगेश सर। इजी सुटेबल फॉर ऑल एज पर्संस, लाइक कुछ ओल्ड पर्सन होते हैं जो ईबुक्स या टेक्नोलॉजी को नहीं यूज कर पाएंगे तो उनके लिए न्यूज़पेपर ही और मैगजीन ही सब कुछ है रीड करने के लिए कुछ भी। ठीक है, लिख दिया पॉइंट हमने। नेक्स्ट पॉइंट प्रियंका। यस मैम, मेरा भी यही था कि एवरीवन नो दी नॉन टेक्नोलॉजी, सभी को टेक्नोलॉजी का नहीं पता होता है यूज करने का, तो उनके लिए। ठीक है, ओके। रिम्पी मैम, आईसेट पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ता कोई भी, जैसे स्क्रीन का पड़ता है, हम लॉन्ग टाइम के लिए स्क्रीन पे देखते हैं तो आईसेट वीक हो जाती है, तो न्यूज़पेपर पढ़ते टाइम ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल सही, नो इल हेल्थ इश्यूज, कोई भी इल हेल्थ इश्यूज नहीं होते हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने के, इतनी ड्रास्टिकली जो है वो आईसेट पे असर नहीं पड़ता है एज कंपैरेटिव टू द स्क्रीन। ओके, अरुण सर। हम नो एनी चार्जिंग इशू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। ओके, नो इलेक्ट्रिसिटी नीडेड, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं पड़ती हमें, ठीक है, ना ही इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, दोनों चीजें आ जाएंगे। देन सिमरजीत। मैम इट्स बेनिफिशियल फॉर ओल्डर पीपल बिकॉज समटाइम ओल्डर पीपल वीकनेस आईज, दे कैन इजीली स्पेंड टाइम विद न्यूज़पेपर एंड बुक्स रादर देन ईबुक्स। ओके, इजी टू रीड, इसमें हम जो है वो एग्जांपल दे सकते हैं एल्डरली लोगों के, ठीक है। आप ऐसे भी कह सकते हैं इजी टू रीड की कंफर्टेबल है ये स्क्रीन से ज्यादा, ठीक है, स्क्रीन पे पढ़ने से ज्यादा इट इज इजी टू रीड द न्यूज़पेपर। योगेश। वी कैन रीयूज और रिसाइकल न्यूज़पेपर एंड मैगजीन आफ्टर रीडिंग एंड आफ्टर यूजिंग। ओके, रिसाइकल का ऑप्शन है हमारे पास। ओके, दिलजीत। नो कंसर्न फॉर हार्ड कॉपी बिकॉज़ वी आर ऑलरेडी हैविंग वन। कैसे? हम जैसे अगर ईबुक अगर कोई रीड कर रहे होंगे तो हार्ड बुक कॉपी अगर चाहिए तो उसको प्रिंट तो करवाना पड़ेगा, बट अगर हमारे पास मैगजीन है तो वी आर ऑलरेडी हैविंग हार्ड कॉपी, तो वो कंसर्न नहीं रहेगा। नहीं, हम इस चीज को नहीं लिख पाएंगे। नो, दिस इज नॉट कन्वीनियंट।
पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है ये। और कुछ किसी के दिमाग में, और कोई पॉइंट जो आप एक्सप्लेन करना चाहें इसमें? किसी को और कोई पॉइंट याद आ रहा है? किसी को ये लग रहा है कि ऐसी चीज जो है ये नहीं कही अभी तक किसी ने, मैं ये बोलू, है कुछ ऐसा? या आगे बढ़े? चलिए, नाउ वी आर मूविंग ऑन फोकस टुवर्ड्स। यस प्रियंका। यस मैम, वो डिस्ट्रैक्ट करता है, मतलब कि अगर किसी की कॉल आ जाए या फिर डाटा खत्म हो जाए या कुछ ऐसा नेटवर्क इशू आ जाए उसकी वजह से भी तो हो सकता है ना मैम, फिर वहीं पे हमारा कंसंट्रेशन होता है वहीं पे टूट जाता है। वो हो गया बेटर कंसंट्रेशन, सेकंड वाले में आएगा वो, दैट कम्स अंडर नो इंटरप्शन कह सकते हैं। हां कह सकते हैं। यस चलिए, नाउ हम आते हैं अपने सॉल्यूशन पे। देखिए क्या है, technology is flourishing by leaps and bounds. हर एक कोने में जो technology है वो बढ़ रही है, and providing us new avenues while keeping ourselves updated. नई avenues आ रही हैं, नए नए तरीके आ रहे हैं जिससे हम लोग अपडेट हो रहे हैं। Therefore, एक मिनट, just give me one minute please. हाँ जी। Therefore, a fair amount of people believe a conventional way of newspaper reading will be disappeared. इसलिए बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि न्यूज़पेपर जो है वो या मैगजीन्स जो है वो डिसअपीयर हो जाएंगी। आई डू नॉट कम्प्लीटली अकॉर्ड विद इट, मैं पूरी तरीके से अकॉर्ड नहीं, दैट मीन्स अग्री नहीं करता या करती, बिकॉज अ कन्वेंशनल न्यूज़पेपर, आप म्यूट पे हो जाइए प्लीज, बिकॉज अ कन्वेंशनल न्यूज़पेपर इज एन इजिएस्ट एंड चीपेस्ट वे टू गेट न्यूज। अगर कन्वेंशनल न्यूज़पेपर्स की बात करें, दैट मीन्स जो पहले से चली आई हमारी जो ट्रेडिशंस है, ऐसी ट्रेडिशन है एक न्यूज़पेपर पढ़ना, ठीक है, तो वो एक इजीएस्ट और चीपेस्ट वे है किसी भी तरीके की न्यूज को ग्रैब करने का, और यही चीज हम आने वाले पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं। टू एम्बार्क ऑन, दैट मीन्स टू बिगिन विद, देयर आर मल्टीपल रीजंस व्हाई ट्रेडिशनल वेज ऑफ गेटिंग न्यूज आर स्टिल पॉपुलर। कुछ बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण आज भी न्यूज़पेपर्स जो हैं या पुरानी जो चीजें हैं, पुराने मीडियम्स जो हैं न्यूज को अटायर करने के, न्यूज को लेने के, समझने के, तो पॉपुलर हैं वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, रीडिंग न्यूज़पेपर हैज बिकम एन आर्डेंट हैबिट, एक बहुत स्ट्रांग हैबिट बनी हुई है लोगों की, मासेस की, फ्रॉम अ रिमार्केबल पीरियड ऑफ टाइम, एक बहुत ज्यादा टाइम से। एवरीवन वेदर फ्रॉम एफ्लुएंट, दैट मीन्स इलीट क्लास या हाई क्लास, और मिडिल क्लास आर सीन डेस्पिरेटली वेटिंग फॉर पेपर इन द मॉर्निंग। सुबह से ही लोग जो है वो न्यूज़पेपर की वेट करने शुरू कर देते हैं, एंड एंजॉय इट रीडिंग विद अ कप ऑफ टी, और सुबह की चाय के साथ न्यूज़पेपर पढ़ने का एक चलन है। मोर ओवर, दीज आर द पोर्टेबल एज वेल एज द चीपेस्ट वे ऑफ नोइंग अबाउट द ग्लोब एक्टिविटीज। सबसे पोर्टेबल, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं, और सबसे सस्ता, ये एक जरिया है जिससे कि अराउंड द ग्लोब, दैट मींस हर वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में क्या चीजें हो रही हैं उसका पता चल जाता है। इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, इवन इन अ बैग, एक बैग में भी हम ले जा सकते हैं। अवेलेबल एट इकोनॉमिकल प्राइस, बहुत ही कम प्राइस में ये आपको अवेलेबल है। इट इज सो हैंडी, एंड मेयरली बाय कंटिन्यूइंग फ्लिप ऑफ पेजेस यू कैन मेक यू ओमनीसिएंट। कहते हैं कि एक आप कह सकते हैं कि फ्लिप पेजेस का, सिर्फ एक झुंड जो है पेजेस का, वो आपको हर एक जगह प्रेजेंट कर देता है। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एप्लीकेशंस आर नॉट रिक्वायर्ड, कोई इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, बिजली की जरूरत नहीं है। मोर ओवर, अदर अटैचमेंट्स अदर देन पॉलिटिकल एंड बिजनेस न्यूज आर कमेंडेबल एंड यूजफुल फॉर पीपल। सिर्फ पॉलिटिकल और बिजनेस न्यूज ही नहीं, न्यूज़पेपर और मैगजीन्स में और बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान टाइम्स हैज मल्टीपल अटैचमेंट। हिंदुस्तान टाइम्स जो है ये कुछ आप कह सकते हैं शॉर्ट नोट्स निकालता है या शॉर्ट कॉपीज देता है अपने सैटरडे और संडे के जो पब्लिशिंग आप कह सकते हैं कि पब्लिशमेंट्स हैं न्यूज़पेपर्स की, उसके साथ जैसे फैशन है, वुमेन फैशन है, करियर गाइड्स हैं, क्यूलिनरी आर्ट है, दैट मीन्स रेसिपीज वगैरह, ऐसी सारी चीजें जो हैं वो भी आपको न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स में मिल जाती हैं। हाउएवर, अनडाउटेडली टेक्नोलॉजी हैज गिवन अ रेडिकल अप्रोच टू रीडिंग न्यूज़।
टेक्नोलॉजी जो है उसने एक अलग अप्रोच दी है. फॉर एग्जाम्पल वीडियोज प्रोवाइड अ फुल एंड क्लियर व्यू. ठीक है, वीडियोज जो है वो क्लियर व्यू देती है, किसी भी चीज का पढ़ने की जरूरत ही नहीं है. बिसाइड दैट वी कैन डाउनलोड शेयर एंड फॉरवर्ड इट टू आर रिलेटिव. इसके अलावा हम उसको देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, फिर शेयर कर देते हैं, आगे भेज देते हैं अपने रिलेटिव के पास, फ्रेंड्स के पास. Needless to say that technophobic will be having no place in this ever advanced modern world. Technophobic मतलब टेक्नोलॉजी से डरना जो है वो मॉडर्न इरा में है ही नहीं, लोग डरते ही नहीं है उसको यूज करने से. टू कंक्लूड इन nutshell, the lives of people are drastically affected by advanced versions of technology. जो लोगों की lives है वो affect हुई है टेक्नोलॉजी के साथ. In my opinion, it will be able to pose threat to the existence of traditional newspapers or magazines. मेरे opinion में ऐसा हो ही नहीं सकता कि कभी newspaper और magazines बंद हो जाएं, क्योंकि अपनी उनकी अपनी जगह है और technology के साथ news देखने की अपनी एक जगह है. दोनों अपनी अपनी audience है, उनकी अपना अपना तरीका है और अपने अपने methods हैं, mediums हैं, जिससे कि वो लोगों को news देने का काम करते हैं. This was your solution. Any question or queries from your side? Anyone? मैं ऐसा भी होता है कि जिस साइड हम नहीं है उसको पहले मेंशन करना है. आप किसी भी साइड को पहले मेंशन कर सकते हैं, फर्क ही नहीं पड़ता. ओके मैम. मैम मैंने एक बात पूछनी थी. मैम जो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस वाले ऐसे होते हैं उसमें हमने जैसे बीपी वन में अकेली प्रॉब्लम्स और बीपी टू में सॉल्यूशंस लिखने होते हैं या एक प्रॉब्लम और उसी का सॉल्यूशन साथ में? देखिए ये ना क्या है कि हर एक का अपना एक तरीका है. ठीक है, अभी क्या है कि कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं, म्यूट हो जाइए, कुछ लोग ये प्रेफर करते हैं कि जो आप प्रॉब्लम सॉल्व दें उसी का सॉल्यूशन आप साथ में दे दें. कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऐसी राय देते हैं कि पहले आप सॉल्यूशन प्रॉब्लम दे दें जी, उसके नेक्स्ट में आप सॉल्यूशन दे दें. अभी क्या है कि अगर आप ये देखें कि आपको कंफ्यूज ना करे, जो चीज आपको क्लियर रखे वो ये है कि आप बॉडी पैराग्राफ वन में प्रॉब्लम एक्सप्लेन करते हैं और बॉडी पैराग्राफ टू में सॉल्यूशन. ऐसा करने के दो जो है वो फायदे होते हैं. एक तो ये कि आप खुद कंफ्यूज नहीं होते हैं. ठीक है, दूसरा फायदा ये होता है कि एग्जामिनर को पता है कि इसमें उसने कोई गड़बड़ नहीं की है जो लिखने वाला है. उसने सिर्फ एक चीज में बहुत एक चीज से उसको क्लियर एक्सप्रेशन मानते हैं कि उसने मिक्सअप नहीं किया चीजों को. ठीक है, फर्स्ट बीपी में उसने सिर्फ प्रॉब्लम बता दी, नेक्स्ट में सॉल्यूशन बता दिया, फिर कंक्लूजन हो गया. दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्रेस एनीथिंग. सो मेरी तरफ से अगर आप मेरी राय पूछे तो बॉडी पैराग्राफ में आप फर्स्ट में आप एक्सप्लेन कर दें प्रॉब्लम और सेकंड में आप एक्सप्लेन कर दें सॉल्यूशन. इससे आपको भी लिखने वाले को भी उलझन नहीं होती. कई बार उसको एक्सप्लेन